ये है मोहन भोग आरडी ब्लॉक, सारा राज्य के साथ सिपाही जला मोहन भोग आरडी ब्लॉक के अंतर्गत विभिन्न पंचायत में शौचालय निर्माण का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को सही दिशा दिखाने के लिए पंचायत अधिकारीगण बेनिफिशियरों के घर घर जाके खबर ले रहे हैं। আপনার নামে একটা টয়লেট আছে, টয়লেটটা কখন কি করবেন নি আপনারা? ইলেকট্রিক কিভাবে হবে সেটা তো আমরা জানি না, যদি আপনারা একটু সাহায্য করেন তাহলে আমরা সম্পূর্ণভাবে করতে পারি। ইয়ে হ্যায় মিসেস আশা রানী মন্ডল কি ফ্যামিলি। शौचालय कैसे बनाया जाता है वो तरीका जानना चाहते हैं। शौचालय निर्माण करने के लिए जो जो चीज चाहिए, जैसे कि ईंट, बाली, सीमेंट और आरसीसी रिंग, जो ब्लॉक से दी हुई लिस्ट के हिसाब से लाकर रखते हैं और बनाने वाला कर्मी भी ठीक करके रखते हैं। उस जगह पे पहुंचे हुए पंचायत के टेक्निकल टीमों के सामने शौचालय निर्माण का काम शुरू किया जाता है। इंजीनियर दिखा रहे हैं शौचालय निर्माण के पहले मिट्टी में एक ड्राइंग बनाना पड़ता है, फिर इंजीनियर उस होल को माप लेते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस होल को आप चौड़ाई में 1 मीटर यानी कि 3.3 फीट रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से दूसरे होल को भी माप लेना पड़ेगा और दोनों चैम्बरों के बीच आपको 1.2 मीटर यानी कि 4 फीट दूरी बनाए रखना पड़ेगा। इंस्पेक्शन चैम्बर से होल का दूरी बनाए रखना पड़ेगा आपको 3.3 फीट यानी कि 1 मीटर। इंस्पेक्शन चैम्बर होने के कारण आप दोनों चैम्बर को अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको ध्यान रखना पड़ेगा इंस्पेक्शन चैम्बर यानी निगरानी कक्ष 1 फीट बाय 1 फीट का होगा, शौचालय अधिकतम 3 फीट बाय 4 फीट का होगा। पंचायत के अधिकारीगण और टेक्निकल टीमों के सामने चैम्बर बनाने के लिए मिट्टियों को काटना शुरू कर दिया है। मिट्टी काटने के वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा चैम्बर का गहराई 1 मीटर यानी कि 3.3 फीट से ज्यादा ना हो, उसी लिए पहले से एक लाठी को माप कर रख दिया गया है और उस लाठी को स्वच्छता की लाठी भी बोला जाता है। इंजीनियर बनाया हुआ स्केल से बार बार माप लेते हैं कि वो चैम्बर 1 मीटर से ज़्यादा ना हो। चैम्बर का हाइट 1 मीटर होने के बाद इंजीनियर मिट्टी काटने वाले श्रमिक को तुरंत मिट्टी काटना बंद करने के लिए कहते हैं। आए हुए मोहन भोग आरडी ब्लॉक के अधिकारीगण शौचालय निर्माण करते समय विभिन्न पंचायत से आए हुए शौचालय निर्माण कर्मियों को शौचालय कैसे निर्माण किया जाता है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। आए हुए कर्मियों को बोला जा रहा है कि पानी सूखने वाला चैम्बर बनाने से आपको क्या फायदा होगा और गैस निकालने की पाइप की जरूरत नहीं है। निर्माण कर्मियों को एक पेपर दिया जाता है जिसमें शौचालय कैसे निर्माण किया जाता है उसके बारे में लिखा हुआ होता है और साथों साथ उस पेपर में छवि भी होता है निर्माण काम कैसे किया जाता है। ब्लॉक से आए हुए अधिकारीगण यहाँ पर समझा रहे हैं कि चैम्बर को 1 मीटर क्यों करना पड़ता है। 1 मीटर से अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ से निकला हुआ हर कीटाणु पानी के साथ मिल सकता है, इसीलिए उसको 1 मीटर करना चाहिए। चैम्बर में रिंग के हिसाब से ईंट और सीमेंट का मिश्रण दे जा रहा है, इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा रिंग दे दिया गया है। पहला, दूसरा और तीसरे रिंग में पानी सूखने के लिए होल दिया हुआ है और चौथे रिंग को इंस्पेक्शन चैम्बर से निकला हुआ पाइप की तरफ एक होल दिया हुआ है।
और चौथे रिंग को मिट्टी के लेवल से 8 इंच ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा बारिश का पानी उसमें ना घुसे। शौचालय निर्माण का काम चल रहा है। इस शौचालय को बनाने के लिए बेनिफिशियरी ने पहले से ही सीमेंट से बनाया हुआ पिलर का इस्तेमाल कर रहे हैं और 5 इंच का दीवार बना रहे हैं। पंचायत आधिकारिक के गण के सामने शौचालय निर्माण का काम चल रहा है। जैसे मिसेस आशा रानी मंडल के घर में काम चल रहा है, वैसे ही दूसरे बेनिफिशियरी मिसेस शेफाली भूमि के घर में भी वही काम चल रहा है। मगर मिसेस शेफाली भूमि के घर के शौचालय बनाने में चैम्बर में जो रिंग बना रहे हैं वो ईंट से बनाया हुआ रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं जो चैम्बर में जो रिंग बनाया हुआ है ईंट से, उसमें बीच बीच में पानी सूखने के लिए होल भी रखा हुआ है। टेक्निकल टीम पहले से ही स्वच्छता का लाठी माप कर बना कर रख दिया, क्योंकि जो शौचालय आप बना रहे हैं उसमें कोई गलती ना हो। टेक्निकल टीम स्वच्छता का लाठी यूज़ करके सबको दिखा रहे हैं कि चैम्बर का ऊपरी हिस्सा वेथ में 1 मीटर और गहराई 1 मीटर हुआ कि नहीं, और ये भी बता रहे हैं कि रिंग को मिट्टी से 8 इंच ऊपर क्यों रखना पड़ता है। अभी मिसेस शेफाली भूमि के घर शौचालय निर्माण का काम चल रहा है। आइए हम लोग जानते हैं चैम्बर में रिंग डालने के बाद वहाँ पर होल क्यों रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अटका हुआ पानी और गैस आसानी से मिट्टी के साथ मिल सकता है और पानी को सोख भी सकता है। इसीलिए इस चैम्बर में हवा निकालने के लिए कोई भी पाइप की ज़रूरत नहीं होता है। आप देख रहे हैं शौचालय निर्माण का काम चल रहा है। यहाँ पर लोहे से बनाया हुआ क्लेम इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो शौचालय का जो दीवार है वो काठ से बनाया जा सके। अभी आप जो देख रहे हैं वो शौचालय में पेंट बिठाने का काम चल रहा है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा दीवार से 8 इंच अंदर आपका पेंट बिठाया जाए। यहाँ पर मिसेस शेफाली भौमिक इंस्पेक्शन चैम्बर के बदले वाई पाइप यूज़ कर रहे हैं। इसमें 2 चाबी दिया हुआ है, जिसके वजह से आप 2 चैम्बर को अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई पाइप से निकला हुआ पाइप 1 मीटर होना चाहिए और ध्यान रखना पड़ेगा चैम्बर के अंदर 6 इंच रहना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं शौचालय निर्माण कर्मियों के साथ ब्लॉक से आए हुए आधिकारिक गण अपना हाथ बटा रहे हैं, क्योंकि शौचालय निर्माण जल्दी से जल्दी हो जाए। यहाँ पर शौचालय निर्माण का काम चल रहा है। चलिए हम जाते हैं मिसेस आशा रानी मंडल के यहाँ, उनका शौचालय का काम कितना तक हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पर भी शौचालय निर्माण का काम चल रहा है और पेंट फिटिंग का काम हो गया है। अभी यहाँ पर ईंट और सीमेंट का मिश्रण दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे इंस्पेक्शन चैम्बर यानी कि निगरानी कक्ष होने से आप दोनों चैम्बर को अलग अलग यानी एक चैम्बर इस्तेमाल करने के बाद अगर ये भर जाए तो दूसरे चैम्बर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर
इंस्पेक्शन चेम्बर में एक टाइल्स के टुकड़ों से अलग अलग दिशाओं में दिया जा रहा है। अभी टाइल्स का टुकड़ा एक नंबर चैम्बर के पाइप की तरफ दिया हुआ है और दूसरे साइड में थोड़ा सीमेंट और ज़्यादा बाली देकर उसको ढक दिया जा रहा है। अभी चैम्बर के ऊपर सीमेंट से बनाया हुआ ढक्कन दिया जा रहा है, यानी कि बारिश का पानी इसके अंदर ना घुसे। शौचालय निर्माण का अधिक से अधिक काम खत्म हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक तरफ पहले से बनाया हुआ रिंग और दूसरी तरफ ईंट से बनाया हुआ चैम्बर के अंदर रिंग कैसे बनाया गया है। आज आशा रानी मंडल के यहाँ शौचालय के लिए दीवार बनाया जाएगा। यहाँ शौचालय निर्माण का काम चल रहा है। सबको याद रखना पड़ेगा, इस तरह शौचालय निर्माण के लिए कोई भी हवा का पाइप नहीं चाहिए और जो आप चेम्बर बना रहे हैं उस चेम्बर में ज़्यादा से ज़्यादा होल रहे। ज़्यादा होल रहेगा तो पानी ज़्यादा सूख पाएगा। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों चैम्बर के अंदर डिस्टेंस 4 फीट होना चाहिए और ऊपरी हिस्सा 8 इंच बाहर रहना चाहिए। इस चैम्बर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चैम्बर 1 मीटर से ज़्यादा ना हो। ये चैम्बर 1 मीटर होने से सूरज की किरण और धूप अच्छी तरह से पहुंच पाएगा। शौचालय को इस्तेमाल करने के पहले थोड़ा पानी ढाले और इस्तेमाल करने के बाद ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पानी देने से आपका वो मल साफ हो जाएगा। সরকার থেকে লেপটিনটা পেয়ে আমরা খুব উপকারিত। যেমন আমার বাচ্চা আগে যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করতো, এর ফলে অনেক রোগ জীবাণু ছড়ে তো। এখন আমার বাচ্চা লেপটিনে মলমূত্র ত্যাগ করবে, এর কোনো রোগ জীবাণু হবে না এবং আমরাও সুস্থভাবে বাঁচতে পারবো। এবং লেপটিন সেরে আমরা সবাই সাবান দিয়ে হাত দিয়ে নেব। ইহাপর শৌচালয় নির্মাণ কা কাম সমাপ্ত হুয়া হ্যায়।